अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शॉपिफाई में पेमेंट मेथड को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं पेमेंट मेथड होता क्या है और पेमेंट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। जो पेमेंट मेथड होता है वो शॉपिफाई में इसलिए इंटीग्रेट किया जाता है ताकि हमारी जो कस्टमर की पेमेंट होती हैं, जो कस्टमर हमारे स्टोर पर आता है, चीज़ बाय करता है, हमें पेमेंट करता है, वो डायरेक्ट पेमेंट को मैनेज करने के लिए हम एक पेमेंट मेथड जो है वो शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करते हैं और वही सेम पेमेंट मेथड हमारे बैंक के साथ लिंक होते हैं ताकि जो भी पेमेंट हो वो डायरेक्ट हमारे बैंक में आ जाए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेमेंट मेथड को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। आपने सबसे पहले अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा, आपने सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद नीचे आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने डायरेक्ट पेमेंट्स के ऑप्शन पर आ जाना है। नीचे आपको ऐड पेमेंट मेथड का बटन मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपने आके सर्च बाय प्रोवाइडर पे चला जाना है। जब भी हम कोई पेमेंट मेथड ऐड करते हैं तो वो हमें किसी ना किसी प्रोवाइडर से मिलता है, कोई ना कोई प्रोवाइडर होता है। हर कंट्री के लिए अलग प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि पेमेंट मेथड प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल पे जाके सिंपली चेक कर सकते हैं जो भी आपका कंट्री है या जिस कंट्री में आप स्टोर बना रहे हैं, जिस कंट्री में आप स्टोर चला रहे हैं, वहाँ कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो काम कर रहा है, कौन सा पेमेंट मेथड चलेगा। नीचे आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा है टू चेकआउट। मैं उनके पाकिस्तान में पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करने लगा हूँ तो इसलिए मेरे पास यहाँ टू चेकआउट आ रहा है। सारे पेमेंट मेथड यहाँ पे शो कर रहे हैं हमारे पास। अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कौन सा पेमेंट मेथड वर्क करेगा तो आप सिंपली यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आपका जो भी स्टोर है जिस भी कंट्री में, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स पे आऊँ तो यहाँ हमारे पास टू चेकआउट का जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे काम करेगा। नीचे जो भी पेमेंट मेथड है ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनअवेलेबल इन योर कंट्री, तो ये जो है ये हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, काम नहीं कर सकते। सिर्फ टू चेकआउट का है पेमेंट मेथड जो कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी कंट्री में। यहाँ पे टू चेकआउट पर क्लिक किया है और इसके बारे में ये सारी डिटेल ये बता रहे हैं कि कैसे टू चेकआउट का आप इनेबल कर सकते हैं, टू चेकआउट का जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास टू चेकआउट का अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट होगा तो आप टू चेकआउट का पेमेंट मेथड जो है वो इंटीग्रेट कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है, मर्चेंट कोड आपको मिल जाएगा। जब आप टू चेकआउट का अकाउंट बनाएंगे तो आपको मर्चेंट कोड एक दिया जाएगा, उसके बाद आपका एक सीक्रेट वर्ड होगा। ये एक सीक्रेट कोड कह लें, सीक्रेट वर्ड कह लें, ये आपको चूज करना होगा एक, ठीक है। ये दो चीज़ इंटीग्रेट करने के बाद ये यहाँ आपको सब कार्ड्स का ऑप्शन मिल रहे हैं कि जो जो कार्ड्स आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई कार्ड अनचेक कर देते हैं तो आपका कस्टमर उस कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता। उसके नीचे आपका टेस्ट मोड, अनेबल टेस्ट मोड, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप टेस्टमोनियल के लिए अपना जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकते हैं, आप कोई भी ऑर्डर लगा के टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक्टिवेट का बटन मिल रहा है, आप सिंपली एक्टिवेट कर दें तो आपका पेमेंट मेथड इंटीग्रेट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका था पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करने का, लेकिन आपके पेमेंट मेथड आपका तब इंटीग्रेट होगा जब आपके पास टू चेकआउट का अकाउंट होगा। और सबसे पहले आपने टू चेकआउट का अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने आके पेमेंट मेथड यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।